मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों आए दिन वड्डे वड्डे फैसले ले जा रहे ने, जिन्हां दे विचों एक फैसला हर विधायक नूं सिर्फ एक पेंशन देण दा ऐलान कीता गया, जिस तों बाद सियासत दे विच तरथली देखण नूं मिल रही है। जिथे कई विधायकां दे वल्लों इस फैसले दा विरोध किया जा रहा, उत्थे ही कईआं दे वल्लों इस फैसले दा स्वागत भी किया जा रहा है। जेकर बीते दिन की गल करिए, बीते दिन कांग्रेस के साबका विधायक कुलदीप सिंह वैद्य वालों सवाल चुके गए सन कि विधायक पंजाब के लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर रहते ने, उन्होंने दफ्तर का खर्चा ही इन्ना हो जाता है कि उसका सिर्फ 60 से 80 हज़ार के नाल गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे भी पालने होंगे ने। आम आदमी पार्टी के इस दौरान उन्हें निशाना साधते हुए यह भी कहा सी कि जेकर विधायक दे कोल पैसे नहीं होणगे तां उह भ्रिष्टाचार भी कर सकता है। उत्थे ही दूसरे पासे इस फैसले दा विरोधी पार्टियां दे कुछ आगुआं दे वल्लों स्वागत भी किया गया। कांग्रेस के संसद मेंबर गुरजीत सिंह औजला ने भी सीएम मान दे इस फैसले का स्वागत किया है। गुरजीत सिंह औजला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भगवंत सिंह मान जी, मैं एक विधायक एक पेंशन दे तुहाडे इस फैसले की शलाघा करदा। हालांकि विधायक राज दे मुख सकत्तर दे बराबर तनखाह दे हकदार ने अते किसे दफ्तर नूं सही ढंग दे नाल चलाउण दे लई स्टाफ वाहनां दे समेत होर जरूरतां ते खर्चा करना पैंदा है, जिसका खर्चा ही बहुत ज्यादा हो जाता है। जदों की कुछ कांग्रेसी आगुओं के वालों विधायकों के खर्चे ज्यादा होने का हवाला देते हुए सीएम मान के इस फैसले से सवाल भी चुकने शुरू कर दिए गए। लगातार इस मामले से देखा जाए, सियासत दे विच तरथली मची हुई है, सियासी बयानबाजियां भी सामने आ रही ने। कई वालों इन्हों पंजाब सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, कई वालों इस फैसले का विरोध के वजो सवाल भी चुके जा रहे ने कि विधायक पंजाब के लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर रहते ने, उन्होंने दफ्तर का इन्ना खर्चा हो जाता है कि उसका सिर्फ 60 से 80 हज़ार के नाल गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे भी पालने होंगे ने। अजिहे दे विच आम आदमी पार्टी के निशाने साधे जा रहे ने कि अजिहे दे विच भ्रिष्टाचार ज्यादा बढ़ सकता है।